like a buttercup. You're a puppy dog. Show them all what. चलिए भाई अपने बारे में बताइए, टॉपिक के बारे में। तुम यूज करके देखो, इसको लगाओ। अरे दिखाओ इसमें वीडियो में। कोई पहनो, कैसे पहनो, एक बार पहनो। कोई पहलवान को पहना मर दे भाई। इनका राइट करो, लेफ्ट करो। ऑनलाइन क्लासेस होती है ना, रिव्यू दे दो सब लोग। रवि भाग रहा है। यहाँ पे यूज किए गए और ये इसके एडवांटेज हैं, कुछ इसके ड्रॉबैक्स भी हैं और बाकी जो इसके ये हम लोग अच्छी रेट कर टेक्निकल पार्ट है। जब तक इस हेलमेट को हम पहनेंगे नहीं तब तक ना ही हमारा बाइक स्टार्ट होगा ना ही हमारी स्कूटी स्टार्ट होगी। इसमें हमने LDR सेंसर का यूज़ किया है, ट्रांसमीटर यूज़ किया है और हमारे पावर लॉक से रिसीवर का यूज़ है, जो कि पावर लॉक से हमारे बाइक के पावर लॉक से कनेक्ट है। और जब हम उसको पहनते हैं, हेलमेट में पहनेंगे तो माइक्रो स्विच लगा हमारे हेड से प्रेस होगा। जैसे ही प्रेस होगा तैसे ही हमारा LDR सेंसर ट्रांसमीटर एक्टिवेट होंगे और अपना सिग्नल रिसीवर को देंगे। ठीक है, थोड़ा रिव्यू दिखाइए इसका, मतलब कैसे बंद करो। यस, स्टार्ट नहीं हो रहा, देखिए नहीं हो रहा है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेकंड फीचर ये है, जब ये हेलमेट जब आप लॉक करेंगे तभी ये सायरन बंद होगा। कारों में आ रही है 10 सेकंड। चलिए लाइट लगाइए। देखिए यहाँ पे पावर आ चुकी है। अच्छा, पावर स्क्रीन दिख रहा है पे। पावर आ गया। हम निकालेंगे हेलमेट, देखिए वहाँ पे वहीं पे दिख रहा है। देखिए हेलमेट निकालेंगे तो पावर ऑफ हो जाएगी। देखिए ऑफ हो गया, फिर लगा रहे हैं, पावर आ गई। क्लैपिंग कर दो सभी लोग। ओके भाई, थैंक यू। और ये हम लोग के लिए हो गया, ये सायरन बंद हो चुकी है। लॉक करने पर इसकी लाइटिंग इंडिकेट कर रहा है। इसको स्टार्ट करते हैं। यार ये है फीचर, आप किक से भी नहीं स्टार्ट कर सकते इस बाइक। सर्विस तो बता रहा है कि आप किक से स्टार्ट नहीं कर सकते। आप इस जब पावर ही नहीं आएगा तो किक से क्या करेंगे? नहीं स्टार्ट नहीं कर सकते। स्टार्ट कर दो गाड़ी बंद करो। रेंज बाबू इसकी बस, इसका जो रेंज है 1.5 से 2 फीट है, जो चलाएगा वही पहन सकता है। पीछे वाला भी नहीं पहन सकता है, ये बैठ जाए कि चल सकता है। चलो ठीक है, क्लोज अप करें, हमको विजुलाइज कर सकते हैं। ये आ गया, ये एरे जनरेट हो चुका है। यस, एरे जनरेट हो चुका है। पर एरे के बाद हमें कोई बबल शॉट ऐसे चुनना है तो बबल शॉट पे हमने क्लिक किया है। तो बबल शॉट का जो स्टेटमेंट होता है, कंपेयर टू एडजेसेंट एलिमेंट इफ दे आर इन रॉन्ग ऑर्डर चेंज द ऑर्डर। एस हम लोग जो एल्गोरिथम चल रहा है उसको विजुलाइज कर सकते हैं। जैसे टीचर पढ़ाते हैं वो बोर्ड में पढ़ा देते हैं, बोर्ड लिख देते हैं, एक आपको समझाते हैं, वो विजुलाइज नहीं हो पाए। तो इसमें हम लोग विजुलाइज कर सकते हैं कैसे एल्गोरिथम वर्क कर रहे हैं। इंसर्शन शॉट कैसे वर्क कर रहा है, पॉइंटिंग कितने हो रहे हैं, कंपैरिजन कितने हो रहे हैं, ये भी कर सकते हैं। ए भाई हमको लेना है, क्या हुआ? ये वर्चुअल पेंट है, इसमें एक ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करके वर्चुअली पेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वर्चुअली पेंट करेंगे। अच्छा अच्छा, ऑब्जेक्ट को अपने हाथ पे लेकर पेंटिंग कर सकते हैं। तो अजूबा है,
और ये अभी दो कलर के बना है, एक पर्पल डिटेक्ट नहीं हो पा रहा है। अच्छा, जो ये विजुअल कलर जो है, मतलब इसको मैं कहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, कहाँ कहाँ पे? ये आप कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। अच्छा, सब जगह पे चलेगा? ऐसे ही ना, अभी ये लाइटिंग के इफेक्ट में इसे सही से शो नहीं कर रहा है, स्कैन नहीं कर पा रहे हैं, कहीं डार्क रूम में लाइट इस साइड से आए, कैमरे में ऑब्जेक्ट पे फोकस रहे, दूसरी तरफ आओ ये क्या यार, उसके लिए लेना मुझे एक पिक जो है, मतलब थंबनेल के लिए अच्छा पिक चाहिए कोई, हमें थंबनेल के लिए।